अगर शौहर की मोहब्बत साबित करने के लिए मुझे मेरी ममता की कुर्बानी देनी पड़ेगी तो ठीक है। अपनी बच्ची के सर पे हाथ रख के कसम खाते हो। मां ने कुछ कहा था ना अपनी भाभी ने, पर दुआएं आपकी अम्मी ने दी थी। ये मेरी हसरत ना होगी कहूं। वो अरम भाभी ने माफी मांगने से इनकार कर दिया। अरम अरम अम्मी ठीक ही तो कहती हैं, वो माफी मांग सकती हैं, खुद मुख्तार हैं, लेकिन मेरी वजह से हम उन्हें प्रेशराइज नहीं कर सकते। और वैसे भी मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से उनका घर खराब हो। और हमारा घर खराब हो जाए इसकी कोई परवाह नहीं है। मेरी अम्मी मुझसे दूर चली जाए इसकी कोई फिक्र नहीं है तुम्हें? नहीं अरम, नहीं मैं, अरे यार मैं ऐसा हरगिज नहीं चाहती। मेरी बात तो सुने, मेरी तरफ देखे प्लीज। मैंने उन्हें बहुत मनाने की कोशिश की लेकिन मेरी बात नहीं मान रही। अरम मैं क्या करूं? आप खुद को मेरी जगह रख के सोचें, मैं क्या करूं? कैसे सगे रिश्तों से कीमत वसूल करूं? कैसे अरम? वाह सना, सगे रिश्तों की मोहब्बत याद है तुम्हें, शौहर की मोहब्बत भूल गई हो तुम। मेरी मोहब्बत पे फर्ज है तुम पर। मोहब्बत में दावे तो आपने किए थे, साथ निभाने के, नखरे उठाने के, वक्त बिताने के। शर्तें तो कहीं नहीं थी आराम, कहीं नहीं थी शर्तें। यही फर्क होता है, यही फर्क होता है शौहर और बीवी की मोहब्बत में। मेरे लिए आपसे की गई मोहब्बत मेरी रूह का सुकून है। कर्ज का क्या है? कर्ज तो इंसान कभी भी अदा कर सकता है, लेकिन मोहब्बत में अपना आप खत्म करना पड़ता है। ऐसी मोहब्बत करती हूं मैं आपसे, लेकिन यार आपकी मोहब्बत है तो मुझे सुनाया। ठीक है, अगर शौहर की मोहब्बत साबित करने के लिए मुझे मेरी ममता की कुर्बानी देनी पड़ेगी तो ठीक है। अपनी बच्ची के सर पे हाथ रख के कसम खाते हो। मां ने कुछ कहा था ना अपनी भाभी ने, पर दुआएं आपकी अम्मी ने दी थी। आ गया यकीन? हो गए खुश आप? कुछ तो कहीं पे रह गया, दिल ही तो था जो सब सह गया, था ख्वाहिशों का आशिया ना होगी कहूं।